गांव में युवक की हत्या करने के बाद बाइक पर सवार होकर भागते ये बदमाश और बीच रास्ते में उन्हें रोकने की कोशिश करते इस बुजुर्ग के साहस की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि हथियारबंद बदमाशों के सामने खड़े होकर जिस दिलेरी से इस बुजुर्ग ने इन्हें रोकने की कोशिश की, उन्हें बाइक से गिराया, वो काबिले तारीफ है। जी हाँ, सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें बीते दिन की है, जब चरखी दादरी के गांव कासली में बाइक सवार तीन बदमाशों ने 30 वर्षीय युवक को सरेआम गोलियों से भून डाला और फिर मौके से फरार हो गए। उधर घटना को अंजाम देने के बाद जब बाइक सवार बदमाश भाग रहे थे, तभी रास्ते में मृतक का चाचा सामने आ गया। इस दौरान उसने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की और इस जद्दोजहद में बदमाश बाइक से गिर गए, जिसके चलते उन्हें बाइक मौके पर ही छोड़कर भागना पड़ गया। युवक की हत्या करने वाले तीनों बाइक सवार बदमाश न केवल सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए, बल्कि उनकी पहचान भी कर ली गई है। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें छापेमारी में जुटी हैं, लेकिन फिलहाल आरोपी पुलिस की पहुंच से बाहर है। बता दें कि चरखी दादरी में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, उससे न केवल पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है, बल्कि सरकार के दावों की भी पोल खुलकर सामने आ रही है। चरखी दादरी से नरेंद्र कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।